बोर्ड एग्जाम की तैयारी अब हर एक स्टूडेंट अपने अपने तरीके से कर रहा होगा, और अब आप अंतिम क्षणों में अपनी कॉपी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होंगे। और बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल आता है कि सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे एग्जाम में मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, किस तरीके से मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले आऊं। या अपने सीनियर से भी आप पूछते होंगे, उनकी तैयारी बहुत अच्छी रही होगी लेकिन वो अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्किल बताने वाला हूं जिसके दम पर आप अपनी तैयारी से पूरे का पूरा आउटपुट ले पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे और बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट ले पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा के लिए पेपर प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में। दोस्तों, आप सभी टॉपर बनना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं, और आपने एनालाइज किया होगा कि अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का है तो 94, 95, 97 और 99 मार्क्स लेने वाले में बहुत ज्यादा नॉलेज का डिफरेंस नहीं होता है। कारण यह होता है कि उसके पास एक ऐसी स्किल होती है जो 91 वाले के पास नहीं होती, जो 76 वाले के पास नहीं होती, और वह है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन स्किल। सबसे पहले हमें अपने एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आपको जो रखना है, अपना उद्देश्य यह रखना है टू मेक योर कॉपी इजी एज मच एज पॉसिबल। अपनी कॉपी को सबसे आसान बनाइए ताकि एग्जामिनर को जरा सा भी एफर्ट आपकी कॉपी को चेक करने में ना लेना हो, और आप अपने नॉलेज को इस तरीके से प्रेजेंट करें जिससे कि एग्जामिनर खुद से कोई भी एफर्ट ना लगाए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको वह दे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करें, हाउ टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर। मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप पेन पेपर लेकर के इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स मैं आपको छोटे छोटे बता रहा हूं उन पॉइंट्स को नोट करिए, और आज से इस वीडियो को देखने के बाद से इन पॉइंट्स पर काम करना शुरू करिए। सबसे पहले आपको करना यह है कि आप हमेशा यह पूछते हैं कि किस सेक्शन से आपको पेपर स्टार्ट करना है, किस तरीके से आपको पेपर स्टार्ट करना है। मान लीजिए कि आपका पेपर चार सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। आप यह करके देखिए कि एक बार जब आप ए बी सी डी में जा रहे हैं तब आपका टाइम पेपर को करने में कितना लग रहा है, और एक बार आप उल्टा रिवर्स जाइए डी सी बी ए करके जाइए और आप ये देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है। जब आप दोनों टाइम को नोट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा वे आपके अटेम्प्ट करने के लिए कन्वीनियंट है या आपको कौन सा वे सुटेबल लगता है। आप चाहें तो अल्टरनेट भी कर सकते हैं, आप बी सी ए डी कर सकते हैं, सी ए डी भी कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप चाहें अपने पेपर को जरूर अटेम्प्ट करें। और मैं चाहूंगा कि एक एक सैंपल पेपर आप अपने अपने सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें, टाइम को टाइमर के साथ नोट करें या देखें किस तरीके से जब आप पेपर कर रहे हैं तो जल्द से जल्द बेहतर से बेहतर अपने पेपर को आप लिख पा रहे हैं। दूसरा सवाल आता है कि सर मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो क्या मेरा बोर्ड एग्जाम में स्कोर आएगा या नहीं। ये ऐसा सवाल है जो हर बार कमेंट सेक्शन में हमसे पूछा जाता है, तो इसका सवाल का जवाब मैं आपको कुछ पॉइंट्स में देता हूं। देखिए, राइटिंग मैटर करती है, लेकिन अगर आपके पास अपनी राइटिंग के अलावा कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो एग्जामिनर को इंप्रेस कर दे तो आप ज्यादा ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर कर्सिव राइटिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा नहीं लिखना है जैसे आप किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। सबसे पहले आपको लिखना ऐसा है कि एग्जामिनर के लिए वह चीजें पढ़ने लायक हो, नीट एंड क्लीन हो, रीडेबल हो और प्रॉपर गैप बिटवीन वर्ड्स हो। ऐसा ना हो कि आपके शब्द इतने सटे हो कि एग्जामिनर उनमें डिफरेंशिएट ही ना कर पाए कि आपने कौन सा शब्द कहां लिखा है। जब भी आप लिखें तो प्रॉपर गैप बिटवीन वर्ड्स लेटर्स हमेशा दें और ये कांस्टेंट गैप रखने का प्रयास करें। एक लाइन में ज्यादा ज्यादा आपको लिखना है तो आपको 7 to 8 वर्ड्स, इससे ज्यादा अपने कॉपी के एक लाइन के अंदर आपको नहीं लिखना है। और यही 7 to 8 वर्ड जब आप लिखेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से ये पढ़ने लायक हो, ऐसा हो कि जब एग्जामिनर उसको चेक करे तो उसे ये ना हो कि उसे अपनी आई को गड़ा करके वो देखना हो कि आपने लिखा क्या है। पहली नजर में उसे पढ़ने में आ जाना चाहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं, आप चाहते हैं कि आप स्कोर करें, एग्जामिनर का फोकस अपनी क्वालिटीज पर डालें, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख रहे हैं उन पॉइंट्स को जरूर अंडरलाइन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जामिनर का फोकस आपके इंपॉर्टेंट स्किल्स पर, आपकी जो बेसिक अच्छी स्किल्स हैं उन पर जाएगा और एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स आपको प्रोवाइड करेगा। अब बात आती है कि रफ सेक्शन को कहां करें। देखिए, रफ सेक्शन और कटिंग का आपस में लेना देना होता है। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट में जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो रफ हमेशा
अपने कॉपी के राइट साइड में बनाएं और हेडिंग डाल करके रफ लिखें और पेंसिल से रफ को सॉल्व करें। जब आप इरेज कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज एक सिंपल सा क्रॉस बना करके आगे बढ़ जाएं रफ एरिया में, और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको अपने पेपर में कटिंग नहीं करनी है। अगर आपसे मान लीजिए गलती हो जाती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, कोई फॉर्मूले में कोई सिंबल गलत हो जाता है, तो एक सिंपल सा कट लगा करके आगे बढ़िए, उसको कवर मत करिएगा। क्योंकि जब आप कटिंग करते हैं तो आप कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन कर लें, आपकी जो कटिंग होती है वो एग्जामिनर के दिमाग में एक निगेटिव इम्पैक्ट को डालती है। इसलिए आपको ये काम नहीं करना है। कटिंग हो जाए तो एक कट करके आगे बढ़िए। अब बात आती है कि स्टेप्स कैसे अपनाएं जिससे आप ज्यादा ज्यादा स्कोर करें। देखिए, सबसे पहले जब आप किसी भी सवाल को सॉल्व करते हैं तो उस सवाल में फॉर्मूले, सिंबल्स, ये सारी चीजें होती हैं। और फॉर्मूलेज और सिंबल्स को मैं कहूंगा कि आप ब्रैकेट्स में लिखें। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई ऑप्टिक्स चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और लेंस मेकर फॉर्मूला का आपको क्वेश्चन दिया गया, तो लेंस मेकर फॉर्मूला को आप लिखिए, उसमें जितने भी सिंबल्स हैं उनको एक्सप्लेन करिए, वैल्यू पुट करिए, लास्ट में अपने फॉर्मूले को ब्रैकेट में और अपने आंसर को आप ब्रैकेट में क्लोज करके आगे बढ़ें, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अब बात आती है हाउ टू आंसर योर क्वेश्चन। देखिए, एग्जाम में आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो आप आंसर पॉइंट वाइज देते हैं या पैराग्राफ वाइज देते हैं। जब भी आप पॉइंट वाइज आंसर देते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि क्वेश्चन के मार्क्स को देखें। अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आप 3 से 4 पॉइंट दें, अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आप 4 टू 5 पॉइंट दें, और अगर आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 5 टू 7 पॉइंट दें, और अगर आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आप 6 टू 8 पॉइंट देने का प्रयास जरूर करें। इतने पॉइंट्स अगर आप आंसर लिखते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप स्कोर कर पाएंगे। अब बात आती है कि अपने पॉइंट्स को कैसे स्टार्ट करें। देखिए, जो भी आपको मेन पॉइंट याद है उन पॉइंट्स को हमेशा स्टार्टिंग में रखें, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपके टॉपिक में आपकी समझ है, और जो जो पॉइंट्स आपको थोड़े वीक लगते हैं, जो आपको कम नॉलेजबल लगते हैं, उनको आप नीचे की तरफ लिखें। जैसे मान लीजिए कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिला और आपको अपने आंसर 4 पॉइंट में देने थे, तो आप स्टार्टिंग के 2 से 3 पॉइंट बहुत बेहतरीन तरीके से लिखें, और लास्ट के 2 पॉइंट आप थोड़े कमजोर भी लिखेंगे तो वो चलेगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने आपने अपनी स्किल को ऊपर ही दिखा दिया और आंसर के क्रक्स को कहीं ना कहीं 80% आप पहुंच गए, तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। अब बात आती है कि जो पैराग्राफ के क्वेश्चन, उनको किस तरह से करें। देखिए, पैराग्राफ के क्वेश्चंस में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पैराग्राफ अपना इंटरेस्टिंग बनाए। अगर आप किसी भी आंसर को पैराग्राफ में लिख रहे हैं, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में हमेशा आपको इंग्लिश के टीचर जरूर बताते होंगे कि आप जब किसी आंसर को लिखते हैं तो पहले पैराग्राफ में आप उस टॉपिक का इंट्रो लिखें, दूसरे पैराग्राफ में आपका मेन कंटेंट। अगर आपसे पूछा गया रिवोल्ट ऑफ 1857, तो आपको पहले पैराग्राफ में जो लिखना है, दूसरे पैराग्राफ में आपको पूरे रिवोल्ट के बारे में बताना है, और तीसरा ये रिवोल्ट ऑफ 1857 का क्या कंक्लूजन आया, इस तरीके से अपने आंसर को आपको वाइंड अप करना है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, आप किसी भी लैंग्वेज का पेपर दें, कोई भी बड़ा पेपर आप देते हैं, तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है टाइम। ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आपकी घड़ी के साथ, हर सेकंड हर मिनट के साथ आपके हाथ से फिसलता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हमेशा याद रखें कि पेपर जितने समय का हो उससे आप कम से कम 15 मिनट कम मानकर चलें। यानी आप ये मानकर चलें कि 2 hours 45 minutes का आपका पेपर है, इसी के अंदर आपके अपने पूरे पेपर को सॉल्व करना है। इससे ज्यादा समय आपके पास नहीं है, और ये आप तब कर सकते हैं जब आप पर सब्जेक्ट पे 2-2 सैंपल पेपर सॉल्व करें। और मेरी अब फाइनल टिप आपको है कि आप कम से कम हर सब्जेक्ट के 2-2 सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करें, इन स्किल्स पर काम करें, निश्चित रूप से आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि यह पेपर प्रेजेंटेशन पे बनाया हुआ वीडियो आप सभी की बोर्ड परीक्षा 2023 में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने हर उस दोस्त में जरूर शेयर करें जो बोर्ड परीक्षा की जंग को लड़ने वाला है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद वो अपने वार के लिए, जंग के लिए तैयार होगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।